अब इनके बारे में क्या बोले। इतने गुस्से वाले थे कि एक वक्त जब 1990 में कोच बनाए गए तो इन्होंने कह दिया कि इंडियन टीम को समुंदर में फेंक देना चाहिए। क्या करें, थे तो सरदार, कभी कोई गलत चीज़ देखी ही नहीं जाती थी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिशन सिंह बेदी जी के, एक चैंपियन प्लेयर, इंडिया के सबसे बुजुर्ग हॉल ऑफ फेम। वैसे तो ये स्पिनर थे, लेकिन ऑग्रेशन तो पेसर का था। बल्लेबाज इनकी फिरकी कभी पढ़ ही नहीं पाए। ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग के मिसाल थे बेदी जी। एक वक्त इन्होंने ये तक कह दिया कि अगर मुरलीधरन ने 1000 विकेट भी ले लिए तो मैं उसे विकेट्स नहीं रन आउट कंसिडर करूँगा। अपने कप्तान टाइगर पटौदी के गोथ्रू बॉलर थे। अपने टेस्ट करियर में इन्होंने 266 शिकार किए, जो कि उस समय के इंडियन स्पिन अटैक में सबसे ज़्यादा थे। 1978 में इंडिया 3-2 से सीरीज हारा था, लेकिन वो दो मैचेस जिसमें हिंदुस्तान जीता था, उस दो मैचेस ने एक उम्मीद जगाई हिंदुस्तान के क्रिकेट में, और उसका नतीजा आज हम 40 साल बाद देख रहे हैं। इनके बेस्ट फिगर्स भी पर्थ में आए थे, जो बॉलिंग पैराडाइज पेसर्स के लिए माना जाता था, लेकिन उस पिच पे भी इन्होंने 10 विकेट लिए थे एक मैच में। 40 साल के बाद आज हम देख रहे हैं कि हमारे कप्तान विराट कोहली ने उस उम्मीद को साकार किया है। ये उम्मीद 40 साल पहले बेदी जी के समय जग चुकी थी। यहाँ तक कि शेन वॉन तक बेदी जी के पास आते थे ये सजेशन लेने के लिए कि सचिन को कैसे आउट किया जाए। एक कमाल के जादूगर थे बेदी जी। इंडिया को कभी स्पिनर की कमी नहीं पड़ी, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट को बेदी जैसे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।